दामाद के लिए प्रधानमंत्री जी दामाद के लिए वोट मांगने आए थे, कहाँ कल परिवारवाद पे बोले, कहाँ परिवारवाद पे बोले। मैं बार बार यही कह रही हूँ ना कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उनका पता है ना डेवलपमेंट में जो वादा किया था उसमें से कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, बेरोजगारों के लिए कहा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो किसको नौकरी मिली है? हमने तो बिहार में करके दिखाया है, हमें मौका मिला, जो हमने वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया है। 17 महीने में जो हमने काम किया, मुझे लगता है कि आजादी के बाद इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ था। देखिए लालू जी के ऊपर 90 से सवाल खड़ा करते आए हैं लोग, आगे भी करते रहेंगे। मैडम चुनाव प्रचार में जानी है, चुनाव प्रचार में निकल गए। आज बैठक है 2-3 जगह, प्रभात भैया पहले कर लो, सेटल हो जाओ। माइक जो है इसको पीछे करो, फर्स्ट प्लेयर पीछे करो माइक। अब पूछो मैम, चुनाव प्रचार में निकल रही मैम, पीएम लगातार परिवार बात पर बोल रहे हैं, और जबकि कल ट्वीट करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कल पीछे ठीक है क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। देखिए ये सब मीडिया में चल रहा, कल प्रधानमंत्री जी जमुई आए थे, ठीक है, दामाद के लिए प्रधानमंत्री जी दामाद के लिए वोट मांगने आए थे, कहाँ कल परिवारवाद पे बोले, कहाँ परिवारवाद पे बोले। तो ये मीडिया में परिवारवाद आपको भी पता है, हमने लालू जी ने अपना सारा लिस्ट जारी कर दिया, तो ये बेमाने हैं। दूसरा ये प्रधानमंत्री इसलिए इस तरह की चर्चा करते हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें जो है उसको छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन देश की जनता और खास तौर पर बिहार की जनता इनको बहुत अच्छे से समझ गई है, और सही समय पर मुझे लगता है अपना जवाब। 40 का 40 है कि 10 साल की बात को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 400 पार कह रहे हैं, अब जनता देख रही है इसको, बताएगी अभी 10 साल के कार्य को कहा कि ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ जनता को भरमाने के लिए और उनको बलगड़ाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ ना कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उनका पता है ना डेवलपमेंट में जो वादा किया था उसमें से कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, बेरोजगारों के लिए कहा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो किसको नौकरी मिली है। हमने तो बिहार में करके दिखाया है, हमें मौका मिला, जो हमने वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया है। 17 महीने में जो हमने काम किया, मुझे लगता है कि आजादी के बाद इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ था। जितने नौजवानों को रोजगार मिला, यहाँ पे रोजगार कहने का मतलब सरकारी नौकरी। लालू जी पर भी सवाल खड़ा किया, कहा कि जो जमीन के बदले लालू जी के ऊपर 90 से सवाल खड़ा करते आए हैं लोग, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जनता हमारे साथ है और हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बार की फाइट कैसे देखती है पाटलिपुत्र में? चुनाव तो चुनाव होता है, बहुत